छत्तीसगढ़ महतारी कर 26वां संतान, जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान। ज्यादा व्यू जाता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो गाना कौन सा है? वो गाना है जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान। रामपुर के सभी जानता भाइयों बहनों सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अच्छे सिंगर से बात करना चाहता हूँ, जो कि बलरामपुर जिला में अभी वायरल पे चल रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी गाने गाते हैं। तो इनसे आज कुछ सिंगिंग के बारे में बात करूँगा, तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो महेश जी, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आप संगीत को कब से अपनाएं? तो बताने से पहले तो सभी जितने भी इस चैनल में होंगे, देख रहे होंगे, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं गायक महेश बाबू छत्तीसगढ़ी गाना गाता हूँ। गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। मैं छोटा था तभी से गाना गाता हूँ और मतलब प्रोग्राम सब में, स्कूल में हमेशा गाते रहता था। और ये गाना के चलते मुझे मेरे शिक्षक लोग भी जानते थे। अच्छा। कि ये महेश है, ये गाना गाता है और किसी भी प्रोग्राम में मतलब ज़रूर मेरे को गाने के लिए कहते थे, मतलब भाग लेते हैं। हाँ, मेरा सहभागिता रहता ही था प्रोग्राम सब में। हाँ। तो और ये जो एल्बम बनाने का शुरुआत तो ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। हाँ। एक साल हो रहा है। हाँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले, एक साल पहले, हाँ हाँ। राम मंदिर निर्माण का अच्छा। चंदा जमा हो रहा था। अच्छा, अच्छा। पूरे भारत देश में। हाँ। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ ऐसा गाना बनाया जाए जिससे लोग जागरूक हों और राम जी के लिए जो राशि समर्पण हो रहा था, समर्पण राशि, वो सभी को दें, मतलब उनको एक प्रेरणा मिले गाना से। तो इसीलिए मैं श्री राम जी के बारे में गाना बनाया। हाँ। और फिर उसी समय से फिर चालू हो गया। मतलब उस गाने पर लोग अच्छा प्यार आशीर्वाद दिए, जितना भी दिए मतलब हाँ, अच्छा लगा मेरे को। फिर मैं सोचा कि क्यों ना और बनाते रहा जाए। हाँ। तो अभी तक जैसे आप गाना गा ही रहे हैं और जब से स्टार्ट किए हैं तब से गाना गा ही रहे हैं, तो अभी तक आप कितना एल्बम कर चुके? अभी तक मेरा 20-25 तो हो गया होगा। तो चैनल, जिस जो चैनल में आपका पूरा गाना है, वो चैनल का नाम क्या है? वो चैनल है श्री महेश ऑफिशियल। आपका पर्सनल है? हाँ, ये पर्सनल ऑफिशियल चैनल है। तो जैसे आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा चाहे लोग, जो जैसे होता है कि कोई भी गाने को सबसे ज़्यादा व्यू जाता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो गाना कौन सा है? वो गाना है जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ के शान। अच्छा। जो मार्च में रिलीज हुआ था। हाँ। और उसी गाने पे अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मिला है, जो कि अभी तो लगातार चल ही रहा होगा। इसलिए मैं बलरामपुर के सभी जानता भाइयों बहनों सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिए। अच्छा। तो वो जो गाना हिट हुआ है अभी जिला बलरामपुर, जो जिस पे गाए हैं, वो गाने को थोड़ा सा हमारे पब्लिक को सुना दीजिए। जी जी। छत्तीसगढ़ महतारी कर 26वां संतान, जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान। छत्तीसगढ़ महतारी कर 26वां संतान, जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान। जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान। ताता पानी सावत सरना बड़ा है मशहूर, कोठपाली डैम पलटन घाट के मजा ले भरपूर। लारे ला ला लारे लारे ला लारे ला। ताता पानी सावत सरना बड़ा है मशहूर, कोठपाली डैम पलटन घाट के मजा ले भरपूर।
कोठपाली डैम पलटन घाट के मजा ले भरपूर, गौर लटा राम चौरा ऊंचा करथे मान, गौर लटा राम चौरा ऊंचा करथे मान, जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान, जिला बलरामपुर हमर छत्तीसगढ़ किसान। बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत अच्छा सॉन्ग है इस गाने के बारे में। सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूं कि इस गाने को देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग हमारे बलरामपुर ज़िला के बारे में जानें। इस गाने में बलरामपुर ज़िला के अंतर्गत जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, जिसके चलते हमारे बलरामपुर ज़िला का नाम रोशन होता है, जैसे ताता पानी हो गया, इधर पवई फाल हो गया, परिवाद हो गया, और इधर पलटन घाट है, कोठपाली डैम, तो जितने भी सावत सरना है, अच्छा, जितने भी दर्शनीय स्थल पर्यटन स्थल हैं, उन्हीं सबको मिलाकर के ये गाना गाया गया है।